गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर विच इज लेसन नंबर 8, हाउसेज वी बिल्ड, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन नंबर 7 यस्टरडे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, न्यू चैप्टर, हाउसेज वी बिल्ड, घर जो हम बनाते हैं वो हम अभी स्टार्ट करते हैं. ओके, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम लेसन नंबर 7 के कर चुके हैं. अगर आपको क्वेश्चन आंसर में कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ओके, ये पेज नंबर 46 का मैंने आपको बोला था एक्सप्लेन करने के लिए ना, ये जो पजल बॉक्स दिया हुआ है क्रॉसवर्ड, तो इसमें आप कर सकते हैं. देखिए, अगर आप फिफ्थ वाली रो पे देखेंगे तो इसमें लिखा थर्ड वाली जो रो है आपकी, उसमें लिखा है आर एस के बाद COTTON, कॉटन. कॉटन को आप कर सकते हैं क्रॉस, है ना, वहाँ पे सर्कल कर सकते हैं कॉटन को. इस तरीके से ये आप ढूंढ सकते हैं. लास्ट में देखिए, लास्ट लाइन में यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, तो आप यूनिफॉर्म को टिक सर्कल मार सकते हैं. इस तरीके से ये आपको खुद ढूंढना, क्योंकि ये बहुत इजी है और आपको मज़ा भी आएगा इसको करने में, ठीक है ना. तो ये आप करिएगा, फिर भी नहीं बनता है तो पूछिएगा. ओके, नाउ लेसन नंबर 8, हाउसेज वी बिल्ड, जो घर हम बनाते हैं, खुद बनाते हैं, तो ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे. क्योंकि हाउसेज मीन्स क्या होता है, हाउस मीन्स होता है घर. हाउस मीन्स क्या होता है, हमारा घर. वर्ड मीनिंग फर्स्ट है हाउस. हाउस मीन्स वेयर वी लिव. हाउस मीन्स क्या होता है, वेयर वी लिव, जहां हम रहते हैं वही हमारा क्या है, घर है. हाउस इज वेयर वी लिव, जहां हम रहते हैं वही हमारा क्या है, हाउस है. फिर उसके बाद क्या है, वी मीन्स तो सबको पता है, वी मीन्स होता है हम. बिल्ड मीन्स क्या होता है, बिल्ड मीन्स होता है बनाना. बिल्ड मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना या अपने घर को बनाना, बिल्ड मीन्स होता है बनाना. बिल्ड मीन्स होता है बनाना, मेक या कंस्ट्रक्ट. तो ये हो गया सेकेंड वर्ड मीनिंग आपका. देन थर्ड अब हम पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ सम बिल्डिंग्स मटेरियल्स आर गिवन बिलो. राइट के फॉर द बिल्डिंग्स मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ कच्चा हाउस एंड पी फॉर द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ पक्का हाउस. तो देखिए, ब्रिक्स, ईंट का इस्तेमाल हम किसके लिए, पक्का घर बनाने के लिए करते हैं. तो ब्रिक्स मीन्स क्या होता है, ईंट. ब्रिक्स मीन्स होता है ईंट, BRICKS. ब्रिक्स मीन्स होता है ईंट. और ईंट से हम क्या बनाते हैं, कच्चे घर बनाते हैं या पक्के, तो पक्के घर बनाते हैं. तो ब्रिक्स के नीचे आप लिखेंगे पी, क्योंकि ब्रिक्स से हम पक्के घर बनाते हैं, तो ब्रिक्स के नीचे आप लिखेंगे पी. स्ट्रॉ में से जो छोटे छोटे तिनके नहीं होते हैं घास फूस के, तो ये स्ट्रॉ हो जाते हैं. तो लकड़ी, छोटी मोटी लकड़ियाँ, तो इनसे हम कच्चे घर बनाते हैं. तो ब्रिक्स के नीचे आप पी लिखेंगे और स्ट्रॉ के नीचे आप के लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रॉ वगैरह से हम कच्चे घर बनाते हैं, झोपड़ियाँ वगैरह. सीमेंट से हम पक्के घर बनाते हैं, तो सीमेंट के नीचे आप पी लिखेंगे. एंड बैम्बू से हम क्या करते हैं, बैम्बू से हम अपने कच्चे घर बनाते हैं ना, तो बैम्बू में आप क्या कर लेंगे, के लिख लेंगे. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर. ऑल ऑफ अस नीड स्पेस टू लिव इन. हम सभी को स्पेस चाहिए या कोई जगह चाहिए घर रहने के लिए, है ना, हमें रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए. अ हाउस इज अ स्पेस इन विच वी लिव एंड फील सेफ. तो हाउस वो जगह है जहाँ पे हम अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं और वहाँ हम अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं. जिस जगह पे हम रहते हैं वो हमारा घर कहलाता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल एंड थीप्स. मतलब ये जो हमारा घर होता है, ये हमें गर्मी से बचाता है, ठंड से बचाता है, बारिश से बचाता है, तेज आधी तूफान से बचाता है, जंगली जानवरों से बचाता है और चोरों से बचाता है. इसलिए हमारे पास घर होना बहुत ज़रूरी है. इट ऑल्सो गिव अस कम्फर्ट, क्योंकि घर में हमें सारी सुविधाएं भी मिलती हैं. घर है हमारे पास तो हम सारी चीज़ें अपने घर में अवेलेबल करवा लेते हैं ना. अब जब घर ही नहीं होगा तो हम कि कोई भी चीज़ नहीं ला के रख सकते हैं. घर होगा तो घर में हम सारी चीज़ें ला के रखेंगे और सारी चीज़ों की क्या होती है, सुरक्षा भी होती है घर में. अदरवाइज़ अगर हम खुले में कोई चीज़ रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, है ना. तो घर हमारे लिए भी ज़रूरी है और हमारी जितनी फैसिलिटीज़, जितने फर्नीचर्स हैं उनके लिए भी घर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेस.
टाइप्स ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार, घर कितने प्रकार के होते हैं अब हम वो पढ़ते हैं. ओके, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस, बहुत मतलब हाउसेस के कई टाइप्स हैं. देखिए यहाँ पे लिखा है बंगलो, सबसे पहले क्या लिखा है, बंगलो. बंगलो आपको पता है बहुत सुंदर सा होता है बंगलो, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं और जितने भी रूम होते हैं सब लग्जरियस रूम होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं उन रूम्स में, तो उन्हें बंगलो कहा जाता है. अब बंगलो इज़ अ बिग बंगलो, बहुत बड़ा होता है, एक ही होता है बंगलो और डबल स्टोरी होता है, उसके ऊपर एक और घर बना होता है, मतलब नीचे जो घर बना है उसके ऊपर भी एक और घर बना होता है, डबल स्टोरी होता है विथ अ लॉन, लॉन भी बहुत बड़ा सा होता है, उसे कहते हैं बंगलो. ओके, अब आते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. अब क्या पढ़ते हैं हम, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब जिसमें बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनी होती है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर. मुंबई वगैरह में तो आपने देखा होगा कि 50-50 फ्लोर होते हैं ना, 25-25 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती हैं, तो उन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कहते हैं. सच अ बिल्डिंग हैज़ मैनी फ्लोर विद हाउसेज दैट आर कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट, ईच फ्लैट में हैव 2-3 ऑफ मोर रूम्स. तो ऐसी बिल्डिंग्स जिसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं, कई अपार्टमेंट्स होते हैं और उन अपार्टमेंट में दो या दो से ज़्यादा रूम होते हैं, उन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कहा जाता है. जिनमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं, कई सारे अपार्टमेंट होते हैं, तो उन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर आते हैं. ये सब टाइप्स ऑफ हाउसेज है. ओके, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ हाउसेस. हट, अब हट देखिए क्या है, हट क्या होता है, झोपड़ी होती है जो कि कच्चा हाउस के अंदर आते हैं. अभी ये जो दो हाउसेस हमने पढ़े हैं, बंगलो और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ये जो है ये पक्का हाउसेस के अंदर हैं. अब जो हम पढ़ेंगे हट, हट जो होता है, हट मीन्स होता है झोपड़ी, हट मीन्स क्या होता है, झोपड़ी जो कि गांव वगैरह में देखने को मिलती है. हट, हट मीन्स होता है झोपड़ी. ओके, हट मीन्स होता है झोपड़ी जो कि कच्चा हाउस के अंदर आता. ओके, तो हट झोपड़ी, झोपड़ी जो होता है वो स्ट्रॉ वगैरह से, बैम्बू वगैरह से, मिट्टी से बनता है. हट्स आर कच्चा हाउसेस, हट्स जो होते हैं वो कच्चा हाउसेस होते हैं. दे आर मेड ऑफ मड, ये जो होते हैं ये मिट्टी, स्ट्रॉ, लकड़ी, पत्ते, बैम्बू, बैम्बू पोल से मिलकर बनते हैं. कौन से हाउसेस, कच्चा हाउसेस. दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं. दे डू नॉट कॉस्ट मच एंड मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, इनको बनाने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर ये गांव में पाए जाते हैं, शहरों में आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इवन कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिलते हैं, किसी किसी एरिया में मिल जाते हैं. तो शहरों में एक हट्स देखने को नहीं मिलते हैं, हट्स को बनाने में बहुत कम पैसे लगते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, कम पैसों में हमारा घर बनकर तैयार हो जाता है. स्पेशल हाउसेस, अब हम स्पेशल हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्पेशल हाउसेस किसे कहते हैं. इग्लू, इग्लू, एंड इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ आइस. इग्लू जो होता है वो बर्फ से बना हुआ घर होता है. एस्किमोस लिव इन इग्लूज, एस्किमोस जो होते हैं वो इग्लू में रहते हैं, ठीक है ना. टेंट, टेंट देखिए क्या है, टेंट मीन्स तंबू होता है ना, जो थोड़ा सा टेंट वगैरह, जैसे कभी हम लोग किसी ट्रिप में जाते हैं पिकनिक वगैरह में, तो वहाँ टेंट बना के लोग रहते हैं. अ टेंट इज़ अ मूवेबल हाउस, टेंट जो होता है मूवेबल हाउस होता है, उसको कहीं भी बनाया जा सकता है. जैसे कि मोस्टली आप जानते हैं कि घर मूवेबल नहीं होते हैं, जहाँ एक बार घर बन गया तो बन गया, वो दोबारा से मूव नहीं कर सकते हैं, हम उस घर को दोबारा से तोड़ के फिर दूसरी जगह बनाना बहुत टफ काम हो जाता है. मगर जो टेंट होता है, टेंट भी एक हाउस के अंदर आता है, मगर टेंट मूवेबल होते हैं, हम जहाँ चाहे वहाँ अपना बैम्बू और टेंट की मदद से घर बना सकते हैं. इट इज़ मेड ऑफ क्लोथ एंड इज़ यूज वाइल्ड कैंपिंग, ये जो टेंट होता है ये कपड़े से मिलके बना होता है, कपड़े से बनता है ये घर, और ये कैंपिंग, जब कैंपिंग वगैरह हमको करना पड़ता है तब हम टेंट का यूज़ करते हैं. ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो है स्टिल्ट हाउस, कैरेवन, हाउस बोट ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.